Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind. Present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about new chapter of mental ability and that is direction sense test. तो बेटा आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जिसमें हम डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाले, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत पजल्डफुल कॉन्सेप्ट भी है आपका, क्योंकि आपको है ना कुछ चीज़ें बहुत ही ईजी लगेगी इसमें तो कुछ चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगेगी। तो इन्हें समझने के लिए हम सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छे से आप स्टार्ट करोगे, इसे पूरे को सीखोगे। ओके, तो चलो आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में आप NTSC, NSCGS और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप आप इन सारी फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में जो भी अपने डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर कर रहे हो, क्योंकि ये जो फैकल्टीज़ टीम है ना ये आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स क्लियर करते रहे, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो मेनली आपको पता है ही सही। यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी की, कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त जोरदार वाला। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। टेलीग्राम चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10th। हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.MS/TTB06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है T.MS/TTB07, क्लास 8 क्लास 9th मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड क्या रहने वाला है T.MS/TTB009 एंड क्लास 10 का ग्रुप कोड है आपका T.MS/TTB010। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको नजर आ रही है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि आपको काफ़ी सारे पैकेजेस यहाँ पर बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप क्लास 9th में हैं तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको स्क्रीन पर भी 2 types के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका पूरा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज जो है आपका पूरा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पैकेज, तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और सेकंड पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो फर्स्ट पैकेज जो स्टडी मटेरियल का है इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहाँ पहुँच जाना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। टेस्ट सीरीज का जैसा कि आप देख पा रहे हो कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। तो इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, बाई वीकली क्विजेस एंड साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फटाफट से क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आपके लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी बहुत शानदार ज़बरदस्त। लेकिन 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 उसके लिए क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LSLive, मतलब कि इस कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ओके, तो फटाफट से इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, क्योंकि आपको 30% का डिस्काउंट चाहिए ना, फटाफट से नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LSLive कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा
जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप एल एस लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको 2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार ज़बरदस्त डिस्काउंट मिला आपको, कहाँ आपका पैकेज 10,000 रुपीज़ का था और एल एस लाइव कूपन कोड यूज़ करने पर आपको सीधा ये कितने में मिल रहा है 7,000 रुपीज़ में, और ये पैकेज आपको ओनली ऑन यहाँ पर 2,450 रुपीज़ में मिल रहा है। तो फटाफट से बिना देर किए क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुँच जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करोगे तो सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, क्लियर है। साथ में यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको कुछ फैसिलिटीज़ गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वायरी की नीड है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाफट से बिना देर किए हुए 9549041111 क्या करना है, फटाफट से फ़ोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और जो भी क्वायरी आपको यहाँ पर करना है आप वो क्वायरी कर सकते हैं। तो फटाफट से या तो इस नंबर को नोट करना है तो नोट कर लो और इस कूपन कोड का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से जल्दी से। फिर चलते हैं हम आगे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, अब लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना, क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर है वो न्यू चैप्टर है और डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो कि आपको काफ़ी अच्छे से आता है, ओके, डायरेक्शंस का नॉलेज आपको काफ़ी अच्छे से पता है। इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने वाला हूँ बेसिक से पूरा, लेकिन आपको जैसा कि ये नज़र आ रहा है लेक्चर वन है, तो लेक्चर वन हमारा जो रहता है मेनली वो इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है, ओके। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तो डायरेक्शंस का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्शंस के बेस पर ही हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मेनली अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको फाइंडिंग द डायरेक्शन, किस तरह से आप डायरेक्शन फाइंड करते हो। सेकंड जो टाइप रहेगा वो रहेगा आपके पास फाइंडिंग द डिस्टेंस, किस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड करते हो। और थर्ड जो पार्ट है इसका वो है फाइंडिंग द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही आपको फाइंड करने हैं, ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपकी नॉर्थ साइड है तो ये आपका साउथ साइड है, ये आपका ईस्ट है तो ये आपका वेस्ट है, मतलब कि ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये तो आपका साउथ डायरेक्शन है, ये आपका ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, ओके। तो सारे डायरेक्शंस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से पहले हम बाय दिस लेक्चर, इस लेक्चर को क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, साथ में इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहने वाले हैं हमारे पास में, और देखा जाए प्रीरिक्विटीज और कीवर्ड्स जो कि आपको सारे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं फटाफट से, जल्दी से कर लो बेटा, ओके, हो गया। तो चलिए आ जाइए फटाफट से चलते हैं हम हमारे लेक्चर के पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन फेज की बात करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन फेज में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएगी, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट डायरेक्शन पजल। जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो किस तरह के मिलेंगे, शॉर्ट डायरेक्शन पजल फॉर्म में मिलेंगे, ओके। पजल फॉर्म इसलिए यूज किया गया है क्योंकि आपको ये बोला जाएगा कि आप यहाँ पर खड़े हो, फिर आप 10 किलोमीटर जाते हो इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाकर आपको राइट टर्न होना, ये राइट टर्न हो गया, फिर आपको जाना है नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलेंगे, फिर आपको वापस लेफ्ट टर्न होना है, लेफ्ट टर्न होने के बाद आपको वापस साउथ टर्न में आना है 3 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो डायरेक्शन है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंडिंग पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपने शुरू किया है और एंडिंग पॉइंट जहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट है, ओके। तो आप ये बताइए कि एंडिंग पॉइंट का आपका डायरेक्शन क्या रहने वाला, इस तरह के हमसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ओके, क्लियर है। पजल फॉर्म में ए सक्सेसिव फॉलो अप ऑफ अ डायरेक्शन इज फॉर्मुलेटेड एंड द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ए सर्टेन द फाइनल डायरेक्शन और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पर आपको मेनली टू पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनसे रिलेटेड आपसे यहाँ पर डिस्टेंस पूछा जाने वाला है।
The test is made to judge the candidate's ability to trace and follow correctly and sense the direction correctly. ठीक है, यहाँ पर मेनली क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेस्ट होता है, हो सकता है ये हमारे जो आप कैंडिडेट्स है, जो बच्चे हैं उनका क्या है, ये एक तरह से टेस्ट है, किसको लेकर, डायरेक्शंस को लेकर, एक तरह से किसको लेकर, डायरेक्शंस को लेकर. ओके, क्लियर है. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कीप इन ए माइंड वेल सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट. यहाँ पर मेनली अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो मेनली आपको पता है डायरेक्शंस कितने टाइप्स की होती है आपके पास, टू टाइप्स की डायरेक्शन होती है, एक ईस्ट होगी, एक वेस्ट होगी, एक नॉर्थ होगी, एक साउथ होगी. अब जैसा कि आपको पता है ये हमारे पास इस तरह से हम देखते हैं, क्लियर, ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसे क्या नेम दे देते हैं हम, ओ नेम दे देते हैं. अब यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन कौन सी है आपके पास, ईस्ट डायरेक्शन है, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगी आपके पास, वेस्ट होगी. क्लियर, ऊपर की साइड आपके पास नॉर्थ है, नीचे की साइड आपके पास क्या है, साउथ, मतलब कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों ही डायरेक्शन होती हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो. ओके, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, मेनली हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की. ईस्ट को हम ई से डिनोट करते हैं तो वेस्ट को डब्ल्यू से, साउथ को एस से तो नॉर्थ को एन से, ये तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है. ओके, इस थ्योरी कॉन्सेप्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसमें बहुत कुछ चीज़ें अभी आपको ऐसी मिलने वाली है जो जिसमें आपको मज़ा आने वाला है सॉल्व करने में. ओके, पर याद रखना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो. फटाफट से चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसे, और नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट. हो गया नोट, चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट यहां पर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए बात करते हैं डायरेक्शंस का. ओके, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से मतलब बिल्कुल ध्यान से. फोर सब मेजर डायरेक्शंस, मेजर डायरेक्शंस जो हमारे हैं वो कौन से होंगे, एक तो क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है, क्लियर है. सब डायरेक्शन, सब मेजर डायरेक्शन से मीन समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं. देखो सबसे पहले तो मैं फोर डायरेक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पर ईस्ट, सेकंड हो गई आपके पास इसकी अपोजिट वेस्ट, थर्ड है आपके पास नॉर्थ, और फोर्थ है आपके पास साउथ. क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब यहां पर ध्यान से देखना, सब सब मेजर डायरेक्शन से मीन है कि इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, और एटलीस्ट इन दोनों के बीच की डायरेक्शन. क्लियर है, समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन रहेगी वो सब डायरेक्शन है आपकी. फिर वेस्ट और नॉर्थ के बीच की जो डायरेक्शन है वो भी सब डायरेक्शन है आपकी. तो नॉर्थ और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन रहेगी वो भी आपकी क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और इसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन रहने वाली है वो भी रहने वाली है हमारी सब डायरेक्शन. क्लियर, अब ये सब डायरेक्शन होती क्या है, किस तरह से होती है, ये कॉन्सेप्ट समझो. देखो सबसे पहले याद रखना, डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको, तब तक आप ये मानकर चलना कि जो डायरेक्शन रहेगी आपकी, अगर आपको रन करने के लिए बोला जाए, मूव करने के लिए बोला जाए, तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आप चलोगे. मतलब कि आपने वॉच देखा हुआ है, वॉच किस तरह से चलती है, इसी तरह से चलती है ना, 12 से स्टार्ट होती है, फिर इधर से पूरा घूम के वापस कहाँ राउंड कंप्लीट करती है, 12 पर. ओके, तो इसी तरह से ये आपकी जब नॉर्थ साइड है और ये आपकी साउथ है, ये आपके पास ईस्ट है और ये आपके पास जब वेस्ट है. क्लियर है, तो देखो यहाँ पर ये पूरा जो एंगल आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है. ओके, अब इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर हम, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट, इन दोनों के जो बीच की डायरेक्शन रहने वाली है, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन को हम बोलेंगे यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. वेस्ट और साउथ दोनों के बीच की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन. क्या रहेगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन. और फाइनली आती है आपके पास साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन, दोनों के बीच में अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों के बीच में होगी आपके पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन. क्या होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो इस तरह से, और चलते 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 आप इस तरह से कंप्लीट राउंड करते हो,
तो ये कंप्लीट राउंड जो है ये क्या है आपका क्लॉकवाइज राउंड है, क्या है क्लॉकवाइज है ओके। और अगर इसी तरह से मान लीजिए अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से वापस कंप्लीट नॉर्थ पर आते हो, तो ये वाला जो रहेगा आपका डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और इधर से ये जो डायरेक्शन चलेगा आपका ये पूरा डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहने वाला है ओके। तो फर्स्ट चीज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जब तक आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाए यहाँ पर कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको सीधा एक ही डायरेक्शन लेना है, ओनली ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओके। और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ये जो मूव हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए इसी पार्ट में, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको क्या बताया इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री, इधर अगर मैं बात करता हूं तो ये भी कितना है 90 है, ये भी कंप्लीट 90 है, तो ये भी कंप्लीट 90 है, मतलब कि इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। यहां पर नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का है, ठीक है, इधर से नॉर्थ वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का, क्लियर है, इसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट डायरेक्शन मिल रहे हैं। तो यहां पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की बात करते हैं, जैसे कि ये हाफ पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अगर ये पूरा, अगर आपके पास ये पूरा 90 डिग्री मिल रहा है तो ये हाफ कितना मिलेगा 45, ये हाफ कितना मिलेगा आपको 45, जिस तरह से ये आपके पास 45 डिग्री है तो ये भी कितना होने वाला है यहाँ पर 45 डिग्री, एज इट इज यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है 45 डिग्री, फाइनली ये भी होगा आपके 45 डिग्री, 90 है ये पूरा कंप्लीट, तो ये भी 45 है और ये भी 45 है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फोर डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बन रहा है, टू डायरेक्शंस के बीच में डायरेक्ट वो एंगल तो 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन अगर हम इसके 50% बात की बात करते हैं, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट की और साउथ ईस्ट की, तो ये कितने डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं इन दोनों के बीच बीच में 45 डिग्रीज के ओके। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बस एक बात का ध्यान रखना, आपको हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही चलना है जब तक कि आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि एंटी क्लॉक वाइज चलिए ओके। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तभी एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि नॉर्थ से आप साउथ की तरफ आओगे उल्टे वेस्ट होते हुए, लेकिन जब तक आपको कुछ नहीं गिवन है तो आपको ईस्ट होते हुए चलना है, मतलब कि नॉर्थ से ईस्ट आना है, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट एंड वेस्ट से वापस नॉर्थ में, क्लियर है, इसी तरह से आपको यहाँ पर मूव करना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो बेटा फटाफट, जल्दी से कर लो नोट, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर क्या यूज है, आप सोच रहे होंगे सर ये तो मैथ्स का पार्ट है और इस मैथ्स के पार्ट का आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो, तो बेटा देखो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्शंस के फेज में। द थ्योरम इज अल्फाबेटिकल ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज होता है मेनली कहाँ होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में, मतलब कि जहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा वहाँ पाइथागोरस आ जाएगा, और जहाँ पाइथागोरस होगा वहाँ राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा ओके। राइट एंगल ट्राइंगल इज वन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। इसमें क्या होता है, वन एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्लियर है, ये आपके मैथ्स का पार्ट है ओके। ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। मान लीजिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, ये आपको जो नजर आ रहा है ये रेड वाला, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और ट्राइंगल भी कौन सा है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करते हैं तो यहाँ पर बी पर क्या बना हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। जब बी पर 90 डिग्री का एंगल है तो हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल की थ्री साइड्स है, ठीक है, कौन कौन सी, ए बी, बी सी एंड ए सी, क्लियर, इसे हमने ए नेम दे दिया, इसे बी नेम दे दिया और इसे सी नेम दे दिया, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में ये है, क्लियर है, यही है ना एसी साइड, तो ये क्या होगी आपकी हाइपोटेनियस, क्या रहने वाला है ये आपका हाइपोटेनियस। जिस पर 90 डिग्री बन रहा है, जिस पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये रहने वाला है आपका बेस,
क्या रहने वाला है, बेस, ठीक है। और जहां पर 90 डिग्री स्टैंड है, जहां पर 90 डिग्री स्टैंड है, तो ये रहने वाला है आपका परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या दिया पाइथागोरस ने, कि जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में टू साइड्स के स्क्वायर का सम करते हैं, तो वो टू साइड्स के स्क्वायर का सम उस थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है? इसीलिए हम अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो एसी है, ये तो क्या है, हाइपोटेनियस, ए बी जो है हमारे पास, सॉरी बी सी, बी सी जो है हमारे पास यहाँ पर, ये बी सी है आपका बेस, और आपके पास जो ये ए बी है परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब पाइथागोरस ने क्या थ्योरम दिया, कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये तो आपको काफी अच्छे से पता है। अब यहां पर देखो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AC, तो ये हो गया आपके पास AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, AB, तो ये हो गया आपके पास AB का स्क्वायर। प्लस बेस क्या है हमारे पास, BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या होगा, टू साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है? फाइनली AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? जो कि ये यहां पर गिवन है हमारे पास। अब ये देखो यहाँ पर AC को हमने क्या नेम दिया, C से साइड नेम दिया, AB को हमने जब B नेम दिया और BC को हमने जब A नेम दिया, तो फाइनली ये C का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AB मतलब B, B का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो C स्क्वायर इक्वल किसके होगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। ओके, क्लियर है? इन दिस ट्राइंगल AC इज हाइपोटेनियस, AC हमारे पास हाइपोटेनियस है, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ, AB हमारे पास परपेंडिकुलर है और BC हमारे पास क्या है, बेस है ट्राइंगल का। इन द मॉर्निंग सनराइज इन द ईस्ट द शेडो ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट फॉल इन द वेस्ट, अगर आपसे देखो इन द इवनिंग, इवनिंग की बात की जाए और सनराइज हो रहा है और कहाँ से, ईस्ट से, तो शेडो जो रहेगी पर्सन की वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट फॉल इन द वेस्ट। क्लियर है? कब, जब आपके पास इन मॉर्निंग टाइम में सनराइज हो रहा है, कहाँ से, ईस्ट से, तब। और इसी तरह से इन द इवनिंग अगर सन सेट हो रहा है, कहाँ पर सेट होता है, वेस्ट में, तो द शेडो ऑफ पर्सन, पर्सन की जो शेडो रहेगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट फॉल इन द ईस्ट, कहाँ पर होगी, ऑब्जेक्ट फॉल इन द ईस्ट। इसी तरह से मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन का जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन मूवमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लियर है? ओके, फटाफट से नोट कर लो इसे। और यहाँ पर हमें गिवन है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन एग्जाम रिलेटेड टू डायरेक्शन सेंस टेस्ट आर, और इससे रिलेटेड आपसे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये मैंने आपको पाइथागोरस का पूरा एक एक्सप्लेनेशन जो था वो मैंने आपको समझा दिया है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। और एक बात याद रखना, इसमें क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, वो किस तरह से दिया जाएगा, मान लो डायरेक्शन से रिलेटेड, तो मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। ये साइड दे दी आपको 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब इसकी हमें पूरा साइड फाइंड करना है, और ये कुछ और आगे इस तरह से मान लीजिए बढ़ रहा है, ये पूरा क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर है पूरे की लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसे फाइंड करने के लिए इस पूरे में से इस तीसरे पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। फाइनली हम देखते हैं कि 10 - 6 मतलब कि 4, अब 4 ये है और 3 ये है, तो ये क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, बेस है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, मतलब कि परपेंडिकुलर जब आपके पास 4 है और बेस आपके पास जब 3 सेंटीमीटर है, तो फाइनली 4² + 3² कितना होगा, 4² = 16, 3² = 9, मतलब कि 25 दोनों का सम करने पर, और 25 का मतलब होता है ये 5 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस मतलब कि ये वाली जो साइड फाइंड होती है हमें कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्शन वाला, जिसमें आपको बहुत कन्फ्यूजिंग भी होगा एक तरह से और बहुत मज़ा भी आएगा। क्लियर है? फटाफट नोट करो जल्दी से। चले आगे, हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया।
चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इसमें हमें जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं वो किस तरह के मिलेंगे। फर्स्ट रहेगा आपके पास इफ टाइप, फर्स्ट फाइंडिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन हमें फाइंड करने रहेंगे फर्स्ट टाइप, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सेकंड में रहेगा आपके पास फाइंडिंग द टाइम टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपको बी पॉइंट को दे दिया और वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पूछा जाने वाला है। थर्ड रहेगा आपके पास फाइंडिंग बोथ एंड डिस्टेंस, मतलब कि आपको टोटल डिस्टेंस डायरेक्शन दोनों ही फाइंड करना है। फाइंडिंग बोथ यहाँ पर आएगा हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन भी लिख लेना बीच में आप यहाँ पर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बीच में डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन लिख लेना, ओके। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, चले आगे। चलो अब देखो वन बाय वन हम तीनों पार्ट को देख लेते हैं कि तीनों पार्ट्स में हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और तीनों का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो किस तरह से रहने वाला है। आ जाओ फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है आपके पास फाइंडिंग द डायरेक्शन। आपको क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फाइनल डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट और द डायरेक्शन फेसिंग बाय इट इन द एंड। मतलब देखो इस तरह से समझो, अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर ए है, ठीक है, ए यहाँ से इस डायरेक्शन में, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर रन करता है, कितना किलोमीटर रन करता है 10 किलोमीटर, और यहाँ से वो राइट टर्न हो जाता है, तो ये लीजिए राइट टर्न हो गया, क्लियर है। जैसे ही वो राइट टर्न होता है तो 5 किलोमीटर और मूव करता है, ये 5 किलोमीटर मूव हो गया। यहाँ से वो वापस इस डायरेक्शन में आता है, मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में आता है, किस डायरेक्शन में आ रहा है वो, वेस्ट डायरेक्शन में, कितना 3 किलोमीटर, क्लियर। यहाँ से वो वापस राइट टर्न करके 2 किलोमीटर और रन करता है, क्लियर। और फिर बोला गया है कि यहाँ से अगर वो लेफ्ट टर्न हो जाता है तो उसका फेस किस डायरेक्शन में रहने वाला है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला है। तो वेस्ट डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, देखो लेफ्ट कहाँ हो रहा है, इधर टर्न हो रहा है, लेफ्ट का मतलब ये तो राइट था और इधर टर्न हो गया तो वो लेफ्ट हो गया, क्लियर है। जैसे ही वो लेफ्ट टर्न होता है तो लेफ्ट टर्न होने पर आपको क्या समझ में आ गया कि ये जो डायरेक्शन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि इस साइड जो हमारे पास रहता है वो वेस्ट डायरेक्शन होता है। ईस्ट ये है हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, तो ये हमारा साउथ, क्लियर है। इधर चला फिर ऊपर गया, मतलब कि नॉर्थ के साइड गया, नॉर्थ से फिर वो वेस्ट में गया, फिर वो साउथ की तरफ आया और साउथ से वापस जो टर्न हो रहा है वो किधर हो रहा है, वेस्ट की तरफ हो रहा है, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे, ओके। फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलें। सेकंड आता है आपके पास फाइंडिंग द डिस्टेंस, किस तरह से हम यहां पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस किस तरह से फाइंड होने वाली है, ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ओके। तो देखो इसका भी मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था यहाँ पर, इसको इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझना है, देखो मान लो यहां पर आप हो इस ए पॉइंट पर, कहां पर हो, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से आपको मूव करने के लिए बोला साउथ में, ये साउथ में आपने मूव कर लिया, क्लियर। यहां पर आपकी डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आपसे वापस बोला गया है कि नॉर्थ में जाइए आप, कितना, 6 किलोमीटर, कितना जाओगे आप नॉर्थ में, 6 किलोमीटर, ये लो साहब 6 किलोमीटर नॉर्थ में आ गए, यहां पहुंचे, यहां से आप टर्न हुए राइट साइड, ये टर्न हो गए और यहाँ पर आपने मूव किया है 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर ले लो, क्लियर है। जो जैसे भी आपकी इच्छा हो, 7 लो तो 7 ले लो, कुछ ऐसा ले लो ताकि हमारी इक्वल आंसर आ जाए। मान लो यहाँ पर 6 लिया है हमने, कितना लिया है, 6, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। तो यहाँ पर 8 ले लो, 8 किलोमीटर ये लो, क्लियर। अब आपसे बोला है कि ये आपका जो पॉइंट था ना, ये तो आपके पास बी पॉइंट है ऑलरेडी और ये आपका पॉइंट था सी।
अब आप ये बताओ कि इस बी और सी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो टोटल डिस्टेंस कितनी फाइंड हो रही है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि ये 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। क्लियर है, इसे हम नेम दे देते हैं ओ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास ये ऑलरेडी है साइड, ये साइड ऑलरेडी है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें तो पता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास यहाँ पर, बी सी। तो फाइनली ये होगा आपके पास बी सी स्क्वायर इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, फटाफट से देखो, परपेंडिकुलर ये रहा आपके पास मतलब कि ओ सी प्लस बेस, बेस है आपके पास यहाँ पर ओ बी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो बी सी स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर देखो ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू आपके पास 8 है और ओ बी की वैल्यू 6 है, तो ये होगा आपके पास 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो फाइनली बी सी स्क्वायर इक्वल 64 प्लस 36, तो ये बी सी स्क्वायर इक्वल हो गया 100। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये बी सी इक्वल रूट 100, और रूट 100 का मतलब हो गया 10 किलोमीटर। कितना हुआ, 10 किलोमीटर। तो आपसे जो ये लेंथ पूछी गई थी कि बी से सी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना आपने फाइंड किया, तो वो डिस्टेंस होने वाला है आपका यहाँ पर 10 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके जो थर्ड पार्ट है हमारा। फटाफट से जल्दी से नोट कर लो बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे ये देखो, डायरेक्शन बोला है तो डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोला है वो देखो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जब तक एंटी क्लॉकवाइज का नेम नहीं आता है तब तक यही मान के चलो कि आपको जो डायरेक्शन दिया है वो कैसा दिया है, क्लॉकवाइज ही दिया है। ओके, डायरेक्शन में जो मूव करना है वो क्यों करना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना है। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइनल एंड लास्ट, लास्ट आता है आपके पास फाइंडिंग द टोटल डायरेक्शन, टोटल डिस्टेंस होएगा हमारा। ओके, तो चलो फाइनल बोथ वाला था जो मैंने आपको अभी बता ही दिया है, लास्ट देखो यहां पर। चलो लास्ट है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है दोनों वाला रहेगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों आपको दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि मोहन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, मोहन जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, और वो 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ टूवर्ड, ठीक है, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, देन द टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, नाउ हिज फेसिंग, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में रहने वाला है ये मेरे को आप बता दीजिए फटाफट से जल्दी से। अभी मैंने आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया है, फटाफट से बताइए जल्दी से, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है तो क्या रहने वाला है फटाफट से ये बता दीजिए मुझे जल्दी से। मोहन स्टार्ट करता है ए पॉइंट से और वो वॉक करता है कहाँ पर, टूवर्ड साउथ, साउथ डायरेक्शन में, क्लियर है। फिर टर्न होता है, कहाँ टर्न होता है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में टर्न हो गया वो, एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, और वो 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, देन टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न होता है, क्लियर है, अगेन एंड वॉक 1 किलोमीटर, फिर वो वॉक कितनी करता है 1 किलोमीटर। तो आपका यहाँ पर जो डायरेक्शन फेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है ये आपको फाइंड करना है फटाफट से जल्दी से बिना देर किए हुए फटाफट। देखो ये मोहन का ए पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 किलोमीटर टू वर्ड साउथ, ठीक है। तो देखो इस तरह से समझो, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, तो ये आपका साउथ है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखना, स्टार्टिंग पॉइंट से वॉक करता है टू वर्ड साउथ, किधर, साउथ की तरफ, जब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो साउथ होगा ये, यहां पर हो गया ये 1 किलोमीटर मूव, क्लियर, टर्न्स लेफ्ट, अब ये इधर आ रहा है, अगर इधर खड़ा है तो इधर राइट होगा भाई, यहां से नीचे की तरफ आया,
नीचे की तरफ इस तरह से आया, तो इधर तो क्या हो गया, ये राइट हो गया, और इधर क्या हो गया, इसका लेफ्ट पार्ट हो गया, तो ये लीजिए लेफ्ट हो गया। लेफ्ट कितना मूव करता है, ये 1 किलोमीटर करता है यहाँ पर भी, ये लो। फिर टायर ने लेफ्ट, अब ये इधर है, ठीक है, इधर टर्न लेगा तो क्या होगा, राइट होगा, और इधर टर्न लेगा तो लेफ्ट होगा, तो ये लो सर लेफ्ट टर्न होगा, और लेफ्ट टर्न होने के बाद ये मूव करता है 1 किलोमीटर, तो ये लीजिए 1 किलोमीटर मूव हो गया। तो देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, तो यहाँ से वो वापस लेफ्ट टर्न लेता है और वॉक्स 1 किलोमीटर वापस यहाँ से। देखो स्टार्टिंग से समझाता हूँ, सबसे पहले ए पॉइंट था और वॉक किया इसने कितना, टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर लेफ्ट वॉक 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न हुआ, लेफ्ट टर्न होने के बाद 1 किलोमीटर वॉक करता है, फिर देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो यहाँ से वापस लेफ्ट टर्न होता है, वापस लेफ्ट टर्न होता है मतलब कि ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये मिल रहा है एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट क्या है, बी, क्लियर है। ये ए तो क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो बी है ये क्या है, इसका एंड पॉइंट। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो एंड पॉइंट का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कहाँ रहने वाला है, किस फेस में रहने वाला है, मतलब कि ईस्ट साइड में रहने वाला है, नॉर्थ में रहने वाला है, वेस्ट में रहने वाला है, साउथ में रहने वाला है, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो जब ये ऊपर की तरफ है मतलब कि बी, और बी ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, ऊपर की तरफ तो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये देखो नॉर्थ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो जो आपसे बोला जाए उस अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर लो, और जैसे ही आप अरेंज करते हो तो आप समझ जाओगे पूरी पिक्चर की, हाँ इस डायरेक्शन में इधर से इधर ट्रांसफर करने के लिए बोला है, तो वही हमने किया है। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो उसका डायरेक्शन किस फेस में रहने वाला है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। फटाफट से बताओ जल्दी से, ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, फटाफट से बताओ जल्दी से, जो बोला गया है पहले उसे देखो, उसे अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने के बाद जिस डायरेक्शन में बोला गया है उस डायरेक्शन में आप इसे पुट करते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, राम का फेस है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, पहले तो देखो कि नॉर्थ कहाँ है और वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में जब उसका डायरेक्ट फेस है तो वहाँ से वो टर्न करता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टर्न करता है कितना, 90 डिग्री, वो 90 डिग्री टर्न हो गया, ठीक है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो वहाँ से 135 डिग्री कितना एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो हमें ये बताना है कि उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पर रहने वाला है। देखो मैं समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले तो डायरेक्शन देखो, ये आपका वेस्ट हो गया है ना, अरे भाई ईस्ट है ये, हर चीज में हाँ, बस हाँ के अलावा कुछ नहीं होता है, चाहे गलत बोलो तो भी हाँ, सही बोलो तो भी हाँ, बिल्कुल ध्यान दे, इधर ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से क्या देखना है आपको, ये देखो राम का जो फेस है कहाँ पर है, वो नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ है नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये इस तरह से, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नॉर्थ वेस्ट हमें पता चल गया, यहाँ से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब क्लॉकवाइज तो क्या होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से होगा भाई, वॉच किस तरह से चलती है, यहाँ 12 है तो इस तरह से ही तो मूव करेगी ना, क्लियर है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा, तो फाइनली ये हो गया एन ई, ये लो ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर है 90 डिग्री, भाई ये 90 डिग्री तो होगा ना। अब आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री कैसे बन रहा है, अरे भाई इस तरह से देखो ना, ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि अगर 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, 135 डिग्री एंटी डायरेक्ट, तो यहाँ से ये ले लो 135 डिग्री, क्लियर है, इस तरह से, ओके
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब बताओ कि उसका फेस किस साइड रहने वाला है, राम का फेस किस साइड रहने वाला है, अब ये बता दो। यहाँ पर है आपका राम, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यहाँ से उसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया क्लॉकवाइज यहाँ तक। यहाँ से फिर बोला गया है कि इस पोजीशन से 135 डिग्री जब वो टर्न होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको बताना है कि राम का फेस किस डायरेक्शन में रहने वाला है। तो भैया ये तो आपकी वेस्ट साइड है, तो राम का फेस कहाँ रहेगा, वेस्ट साइड में ही तो रहेगा, यही आपको फाइंड करना था। क्लियर है, फटाक से छापो, जल्दी से चलते हैं फिर नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ, फटाफट से जल्दी करो, काफ़ी टाइम हो गया बेटा, थोड़ा जल्दी करो, 40 मिनट समथिंग हो गए, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हमें, जल्दी करो। चलो नेक्स्ट देखो, इफ एस ई बिकम्स वेस्ट, एस ई मतलब कि साउथ ईस्ट, वेस्ट एन ई बिकम्स साउथ एन सो ऑन, व्हाट विल नॉर्थ बिकम, तो नॉर्थ कहाँ से आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। बहुत ही इजीली फाइंड करोगे यार, बहुत इजीली, थोड़ा सा ध्यान दे लो, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, जो बोला गया है उसे समझो। देखो इस तरह से बनाते हैं हम इसे, ये आपका क्या हो गया नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, तो ये आपका वेस्ट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको क्या करें, कलरफुल कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से सारी चीज़ें नज़र आए। तो ये हो गया आपके पास एन ई, ओके, इसी तरह से ये हो गया आपके पास एस डब्ल्यू। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपके पास एस ई, ओके, और ये हो गया आपके पास एन डब्ल्यू, सारे डायरेक्शंस आ गए आपके पास। चलो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये देखो फटाफट से, आपसे बोला गया है कि आपका जो ये एस ई है, एस ई कहाँ है, ये रहा एस ई, एस ई, ओके, आता है बिकम्स वेस्ट, बिकम्स वेस्ट, ठीक है, इसके जैसा। फिर एन ई, ये आपका एन ई, ये आपका एन ई, क्लियर है, जस्ट साउथ के बाद आता है, क्लियर। व्हाट विल बी नॉर्थ बिकम, तो नॉर्थ आपका कहाँ पर मिलेगा, क्या नॉर्थ ईस्ट से पहले मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट से, साउथ ईस्ट से, या साउथ वेस्ट से, ये आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट से बताओ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मुझे तो मेरा आंसर मिल गया है, आप ये बताओ कि आपको ये नॉर्थ कब मिलने वाला है। नॉर्थ देखो, ये रहा नॉर्थ यहाँ पर, ठीक है, ये आपको कब मिलता है, इससे पहले, ये आपको कब मिलता है, इससे पहले, ठीक है, ये आपको कब मिलेगा, इससे पहले मिलेगा, क्लियर है, मिलेगा ना, तो ये आपको कब मिलेगा, इसके बाद ही तो मिलेगा ना, नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ किसके बाद में मिलेगा, एस ई के बाद में, एस ई के बाद में कौन आता है, नॉर्थ आता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्लियर है, ये है आपका आंसर, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, चले फिर आगे। चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखो, अर्ली मॉर्निंग सन राइजेज, अर्ली मॉर्निंग सन राइजेज, याद आया कुछ, मैंने आपको बताया था अभी एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, अर्ली मॉर्निंग और सन राइजेज हो रहा है, सन सेट हो रहा है, दोनों कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, उसमें से राइज वाली कंडीशन आ गई। देखो फटाफट से, आपको यहाँ पर दिया है अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सन राइजेज, संगीता वेंट फॉर ए वॉक, संगीता वॉक पर जाती है, हर ब्रदर रमेश, उसका भाई रमेश, हु वॉज कमिंग, उसका भाई आता है रमेश कमिंग, ठीक है, टू वर्ड्स हर, ठीक है, टू वर्ड्स हर, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट संगीता शेडो हैड फैलन टू हिज राइट, फ्रॉम विच डायरेक्शन वॉज रमेश कमिंग, तो हमें ये बताना है कि रमेश जो आ रहा है वो किस डायरेक्शन से यहाँ पर आ रहा है, वो हमें बताना है। अब रमेश का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इनकी कंडीशंस को समझोगे। देखो दोनों तरह से मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गए आपके पास ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सन राइजेज हो रहा है तो कहाँ से होगा, ईस्ट से होगा,
क्लियर है? जैसा कि आप यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको पहले पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, इन द मॉर्निंग सन राइजेज इन ईस्ट। सन कहाँ से राइज हो रहा है? ईस्ट से। द शेडो ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट फॉल इन द वेस्ट। तो शेडो कहाँ होगी? वेस्ट में होगी। जब सन राइजेज हो रहा है कहाँ से? ईस्ट से। तो पर्सन की जो शेडो होगी वो कहाँ होगी? वेस्ट में होगी। कब? जब सन राइज हो रहा है। क्लियर है? तो आ जाओ अब देखो न्यू कॉन्सेप्ट जो हमारा इस क्वेश्चन का था। ठीक है, तो यहां पर संगीता कहाँ है? यहां पर है। क्लियर है? चलो ये हो गई आपके संगीता। क्लियर? वेंट फॉर वॉक, वॉक पर जाती है। हर ब्रदर रमेश हुज वाज कमिंग टूवर्ड्स हर अपोजिट साइड। जब यहां संगीता है तो इसका भाई साथ में जाता है, लेकिन वो कहां से आता है? टूवर्ड्स अपोजिट साइड। टूवर्ड्स अपोजिट साइड मतलब कि संगीता अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका भाई इस डायरेक्शन में आएगा इस तरह से। क्लियर है? संगीता जब इस डायरेक्शन में जा रही है तो रमेश किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। क्लियर है? फिर इसकी जो शेडो है संगीता की, ये शेडो, ठीक है, ये लो संगीता की शेडो। क्लियर? अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रमेश का जो डायरेक्शन है वो क्या रहने वाला है? तो देखो यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन आता है, सॉरी ये नॉर्थ करो और ये साउथ करो। रमेश का कौन सा डायरेक्शन होता है? रमेश का डायरेक्शन होगा यहाँ पर नॉर्थ। क्यों? क्योंकि रमेश यहाँ से आ रहा है, रमेश का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। क्लियर है? तो जब ये है तो नॉर्थ है, तो रमेश का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके, फटाफट छापो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से छाप लो। फटाफट से चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इन ए क्लॉक 12:30 आवर्स हैंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, 12 मिनट हैंड इन सच साउथ डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन वुड बी मिनट हैंड 8:12:45। तो 12:45 पर मिनट की जो सुई रहने वाली है वो कौन से डायरेक्शन में रहने वाली है? यहाँ पर ये आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, ये बताओ मुझे फटाफट से क्या करोगे इसे फाइंड करने के लिए? देखो इन ए 12:30 आवर्स, ठीक है, तो सबसे पहले क्लॉक की बात की गई है। क्लॉक देखो, ये आपके पास 12 है, ये 6 है, ये आपके पास 3 है, ये 9 है। क्लियर? यहाँ पर देखते हैं हम। चलो नॉर्थ डायरेक्शन 12 मिनट हैंड इन साउथ डायरेक्शन, मतलब कि एक जो डायरेक्शन है वो तो आपका ये रहा और एक डायरेक्शन जो है आपका वो ये रहा। क्लियर है? 12:30 का डायरेक्शन हो गया। क्लियर? अब यहाँ से आपको बतानी है कि मिनट हैंड 8:12:45, तो मिनट की जो सुई रहने वाली है वो कौन से डायरेक्शन में रहने वाली है 12:45 पर मिनट की? तो देखो जब आपके पास ये वॉच है 12:30 टाइम ये रहा, ये कौन सा टाइम है आपके पास? 12:30 का, ठीक है। अब 12:45 भाई 30 तो यहीं पर होगा ना, 30 मिनट्स हो गए, ये 15 मिनट्स है, ये 45 मिनट है और ये वापस 60 मिनट हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ से, यहाँ पर आपके पास क्या होगा? 9, 3 और 12 और 6। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 12:45 का मतलब क्या होगा? ये 12:45 भाई, ये जो हावर्स वाली जो नीडल है वो तो यहीं रहने वाली है। हमें क्या पूछा गया है? मिनट हैंड वाली जो नीडल है ये 12:45 पर ये देखो। तो अब आप ये बताओ कि ये वाली जो आपके पास नीडल है ये किस डायरेक्शन में है? ये ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब कि यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ है ईस्ट और यहाँ है वेस्ट। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जो डायरेक्शन है आपकी कौन सी है? वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट नोट करो जल्दी से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, जल्दी करो, काफ़ी टाइम हो गया, 49 मिनट्स हो गए और क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं। फटाफट से चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड
साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर्स हाउ मेनी किलोमीटर्स विल बी हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अब देखो कंडीशंस को समझो पहले और उस अकॉर्डिंग बात करते हैं। रवि, ये रहा आपका रवि, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर कौन है? रवि है। यहाँ पर ए पॉइंट पर है। यहाँ से साउथवर्ड मतलब कि साउथ डायरेक्शन में चलता है। साउथ डायरेक्शन मतलब कि नीचे, आपको तो पता है ना, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है, क्लियर। यहाँ से वो कहाँ चलता है? साउथवर्ड में। कितना? 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर चल दिया रवि यहाँ पर साइकिल पर बैठकर। फिर टर्न राइट, अब राइट टर्न लेता है, यहाँ पर आ गया, यहाँ से राइट टर्न मतलब कि इधर, तो ये लो ये राइट टर्न हो गया। राइट टर्न कितना चलता है? ये 5 किलोमीटर, तो ये लो सर 5 किलोमीटर पहुँच गया। फिर बोला है टर्न राइट, अब यहाँ से वापस टर्न लेता है, कहाँ पर? राइट, तो राइट टर्न लेगा मतलब कि इस तरह से टर्न लेगा मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा। और कितना मूव करेगा वापस? ये 10 किलोमीटर, तो ये लो हो गया ये 10 किलोमीटर। फिर बोला है टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से यहाँ पर अगर कोई पहुँच गया है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना, लेफ्ट टर्न मतलब ये हो गया, तो यहाँ से ये लेफ्ट टर्न ले लिया, ये लो, और लेफ्ट टर्न करने पर ये कितना मूव करता है? 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर हो गया, क्लियर। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर हाउ मेनी किलोमीटर विल बी हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अगर वो स्ट्रेटली उसके घर पर पहुँचता है इस डायरेक्शन पर, तो वो कितना मूव करेगा? मान लो यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट है और यहाँ ई पॉइंट है। अब स्ट्रेट तो इसको यही मिल रहा है ना, मतलब कि हमारे पास ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी 10 किलोमीटर गिवन है। अगर ये हमारे पास ए से डी की डिस्टेंस फाइंड हो जाए, किसकी? ए से डी की डिस्टेंस फाइंड हो जाए, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा ना। तो देखो इस ए की डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, इस ए डिस्टेंस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी प्लस डी ई, ए ई मतलब कि इस पूरी डिस्टेंस को हम ये प्लस ये लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो आपके पास ये तो ऑलरेडी कितनी है? 10 किलोमीटर है, मतलब कि ये वाली हमारे पास ऑलरेडी 10 किलोमीटर है। हमें चाहिए ये, इसे फाइंड करने के लिए जब ये और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5 होगी, मतलब कि प्लस 5 किलोमीटर, तो 5 प्लस 10 हो गया आपके पास 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो रवि साइकिल से स्ट्रेटली अगर उसके घर पर जाता है, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है या स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर अगर डायरेक्ट जाता है, तो वो कितना किलोमीटर रन करेगा? 15 किलोमीटर। यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था, ओके। फटाक से नोट कर लो, जल्दी से फटाफट जल्दी से नोट करो, चलते हैं फिर आगे जल्दी से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ईजी। ओके चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुणाल जो है, ये रहा कुणाल, ठीक है, ये आपका कुणाल हो गया। अब ये कुणाल नॉर्थ नॉर्थ में वॉक करता है, टूवर्ड्स नॉर्थ, कितना? 10 किलोमीटर। यहां पर मान लीजिए ये आपके पास ए पॉइंट हो गया, ये आपके पास बी पॉइंट हो गया, कितना मूव कर रहा है ये? 10 किलोमीटर। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। वो यहाँ से वापस यहाँ से 6 किलोमीटर मतलब कि साउथ की तरफ, साउथ कहाँ है? नीचे की तरफ। यहाँ पर कितनी मूव करता है ये? 6 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो कितनी है? पूरी 10 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 किलोमीटर। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ से वो 3 किलोमीटर, ये लो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, मतलब कि ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, क्लियर। 3 किलोमीटर हमसे पूछा गया है कि डायरेक्शन ही विथ रेफरेंस हिज स्ट्रेट पॉइंट, तो ये स्ट्रेट पॉइंट से वो कितना डायरेक्शन मूव कर रहा है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कितना डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसे फाइंड करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर हम इस ए बी की लेंथ की बात करते हैं, तो ए बी की टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? 10 किलोमीटर्स। अब हम अगर इस बी डी लेंथ की बात करते हैं, बी से डी, तो बी डी लेंथ है हमारे पास ऑलरेडी 6 किलोमीटर,
क्लियर। हमें क्या करना है यहाँ पर ए डी फाइंड करना है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं पाइथागोरस जो रूल है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये देखो क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि आपको क्या करना है यहाँ पर, इस ए डी को फाइंड करना है। तो ए डी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इस ए बी में से अगर आप इस बी डी को माइनस कर देते हो तो आपको क्या फाइंड हो जाता है यहाँ पर, ए डी। तो फाइनली ए डी इक्वल ये हो जाएगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 का मतलब हो गया 4 किलोमीटर, कितनी 4 किलोमीटर। तो ये लो आपको मिलती है यहाँ पर 4 किलोमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से समझो इसे, ये आपके पास डी है, ये आपके पास सी है, ये आपके पास ए, ये आपने अभी फाइंड किया 4 किलोमीटर, और ये आपके पास है 3 किलोमीटर, आपको ये फाइंड करनी है। अब इसे फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, एसी, तो फाइनली ये होगा एसी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर एडी, तो एडी स्क्वायर बेस सीडी, ये सीडी का स्क्वायर। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एसी हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहने देते हैं। एडी की वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर, सीडी की वैल्यू 3 स्क्वायर, तो फाइनली एसी स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 9, मतलब कि 25, कितनी होगी 25। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, ए डी स्क्वायर कितना मिल रहा है आपको 25। यहाँ से अगर ए डी फाइंड करोगे तो ये रूट 25 हो जाएगा, रूट 25 का मतलब 5, तो ए डी कितना मिला आपको 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर, सॉरी ए सी करो यहाँ सब जगह। आपको डायरेक्ट स्ट्रेट जो डिस्टेंस फाइंड करना था, ये क्या है आपका एसी, क्लियर। ये एसी कितना होगा आपका 5 किलोमीटर, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपको बहुत अच्छे से, हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया है, डायरेक्शन फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना, आई होप सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आए होंगे पूरे थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ। एक बार आपको क्या करना है, इनका रिविजन करना है, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से सारे क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करना है, जैसे जैसे कंडीशंस बोली जाए उस कंडीशंस में आपको पुट करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस आपको इसमें टोटल सॉल्व करने हैं, और ले लीजिए 11 भी सॉल्व करना है आपको, और 12 फाइनल, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। फटाफट नोट कर लो इन्हें जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो बेटा, फटाफट से जल्दी से, क्लियर है। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे डायरेक्शन सेंस टेस्ट से रिलेटेड, आई होप आपको पूरा लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी कोशिश की मैंने आपको समझाने की। ओके, आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना, डिस्टेंस किस तरह से, लेफ्ट राइट का नॉलेज होना, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो आप बहुत ही ईजिली इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझोगे। ओके, क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।